इंदौर में आज संत समाज ने भी तिरंगा यात्रा निकाली थी। हमारे साथ संत समाज मौजूद है, बड़ी संख्या में संत समाज इंदौर के हंसदास मठ पर इकट्ठा हुआ, उसके बाद हाथों में तिरंगा लिए इंदौर के पचकुया धाम पर पहुंचे हैं। हमारे साथ संत मौजूद है। महाराज जी, किस तरह से आज तिरंगा यात्रा निकालेंगे? हमारे राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रभक्त श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हम लोगों ने हर घर तिरंगा यात्रा, जो अभियान चल रहा है अमृत महोत्सव का, उसके उपलक्ष्य में आज पूरे संतों ने, हमारे यज्ञ सम्राट द्वाराचार्य मंगल पीठाधीश और श्री मांधवाचार्य जी महाराज जी के नेतृत्व में, कई महामंडलेश्वर श्री महंत महंतों के नेतृत्व में यह दिव्य और भव्य यात्रा निकाली गई। हंसदास मठ से श्री राम मंदिर पंचकुया पर यहाँ पर विराम हुआ और पूरी यात्रा का श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, जो मध्य प्रदेश में मंत्री हैं, और हमारे पंडित श्री रमेश मेंदोला विधायक जी, इन्होंने आभार व्यक्त किया है। और संतों का यही आह्वान है पूरे समाज से कि हर घर तिरंगा, हर घर में तिरंगा होना चाहिए। जिस तिरंगा के लिए हम हिंदू सनातनी हमेशा एकजुट रहे हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग एकजुट रहे हैं, ये तिरंगा की कभी शान हम इसको झुकने नहीं देंगे, इसको टूटने नहीं देंगे, हमेशा इसको अपने हाथ में, अपने कर कमल में ऊपर करके रहेंगे, ताकि हमारे देश में खुशहाली हो, सुख शांति समृद्धि हो और हमारे भारत देश की हमेशा जय होती रहे, विजय होती रहे, और यहाँ सब भाईचारे की नीति से सब एक रहें। हम सनातनी हैं, यही सदैव आवाहन करते हैं, और संतों ने आज बहुत दिव्य और भव्य यात्रा निकाल करके इस सब चीजों का आवाहन किया। बांग्लादेश में जिस तरह से घटना हो रही है बाबा, उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप आज बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ में बहुत दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और हम सब उन हिंदुओं से निवेदन करेंगे कि उनको लड़ना चाहिए। एक हाथ में माला रहती है सनातनी के, तो दूसरे हाथ में भाला रहता है। आप बिल्कुल लड़िए, अपना अधिकार लीजिए, क्योंकि अगर इससे सब प्रकार से देशों से भगा दिए जाएंगे तो फिर हिंदू बचेगा कहाँ? भाई, बांग्लादेश में वो भी रहते हैं, वहां के नागरिक हैं, उन बांग्लादेश की सरकार ने उनको नागरिकता दी है। हम उन सभी सनातनी हिंदुओं से निवेदन करेंगे कि आपके साथ में जो अत्याचार हो रहा है, हम आप पूरी संत समाज आपके साथ में खड़ी हुई है, और आप हथियार लेकर के लड़िए, और अलग देश की, अगर उस देश में गुजारा नहीं होता है तो आप निश्चित ही अलग देश की मांग कीजिए, और एक अलग बांग्लादेश बनेगा, उसका हिंदू राष्ट्र नाम रखिए, आप 1.5 करोड़ लोग हैं उसमें निवास कीजिए, और भारत आपको हर संभव मदद करेगा। हम देश के प्रधानमंत्री से भी निवेदन करेंगे कि इस समय में जो वो परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में गुजर रहे हैं, उनके साथ जो अनीति, अत्याचार, दुर्व्यवहार हो रहा है, भारत सरकार को उनके साथ में खड़ा रहना चाहिए। महाराज जी, संत समाज हमेशा भारत को हिंदू राष्ट्र करने की मांग करता है, क्या तिरंगा यात्रा के माध्यम से आपने इसकी भी मांग करी? हम तो सदैव मांग करते ही आए हैं, गौ हत्या बंदी के लिए करते आए हैं, और भारत सनातनियों का देश है, ये हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए, क्योंकि जितने देशों का यहाँ से विभाजन हुआ वो क्या हुए हैं? मुस्लिम देश हुए ना, तो हिंदू देश होने में किसका पेट पानी दुख रहा है? हम आह्वान करते हैं हर सनातनी से, हर हिंदू से, कि यह हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। किस तरह से आगे योजना बनाई जाएगी? कभी सरकार नहीं सुनेगी, क्योंकि अभी पिछले काफी दिनों से बात चल रही थी कि हिंदुओं को लेकर एक योजना बनाई जाए, राष्ट्र बनाया जाए। हिंदुओं के लिए सब काम कर रहे हैं, सनातनी काम कर रहे हैं, संत समाज काम कर रही है, और हम आशावादी हैं। लोग कहते थे कभी राम मंदिर नहीं बनेगा, कभी 370 नहीं हटेगी, हमने 370 हटवा दी, हमने राम मंदिर सनातनियों ने बनवा दिया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, और निश्चित आप भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे, एक दिन भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषित होकर के रहेगा, और इसमें गोवध बंद होएगा, और मठ मंदिर खुशहाल होंगे, और यहाँ पर बिल्कुल चारों तरफ सुख शांति और समृद्धि होगी। ये थे हमारे साथ महाराज जी, जिनका कहना था कि जिस तरह से बांग्लादेश में एक घटनाक्रम हो रहा है उसको देखते हुए अब वहां के बांग्लादेश के लोगों को एक अलग राष्ट्र की मांग करना चाहिए, साथ ही सनातन को लेकर उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग भी की है। इंदौर से टीवी 9 भारत पर संदीप मिश्रा।